हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्लास 6 की साइंस चैप्टर 13, फन विद मैग्नेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको इसमें मैग्नेट्स के बारे में पूरी डिस्कवरी बताई जाएगी कि किस तरह इसकी डिस्कवरी हुई थी अचानक से, और मैग्नेट क्या है, अर्थ किस तरह से काम करती है, अर्थ जो है अर्थ में जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है ये किस तरह के आपके मैग्नेट से, ये आपके ज्योग्राफिकल होते हैं पोल्स। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और जो अर्थ के अंदर मेटल्स हैं और उनसे जो मैग्नेट बनता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक जो पोल्स होते हैं वो क्या हैं, इनके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आराम से इसको आपको पता भी नहीं लगेगा पढ़ने में कितना ईजी ये हो जाएगा। तो बस बैठे रहिए और सुनते रहिए वीडियो को। तो चलते हैं अपनी, यहाँ पे पहली बुझ जो है वो जानते हैं, जाते हैं कहीं पर किसी जगह पर। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है, और इतना वेस्ट मटेरियल होता है कि वो एक पहाड़ सा उसमें बन जाता है, जैसे ये पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक क्रेन होती है। ठीक है, क्रेन आपको ये पिक्चर में दिख रही है, क्रेन होती है। उसमें से क्या होता है कि वो जो भी वहाँ पे मेटालिक सामान होते हैं वो उनको उठाता है और उठा उठा के अलग कर देता है, क्योंकि ये होता है कि जो आपका वेस्ट मटेरियल है, गार्बेज है, इसमें के जो भी आयरन या कोबाल्ट या जो भी मेटालिक चीज़ें हैं वो अलग हो जाती हैं और बाकी वेस्ट अलग हो जाता है। तो वेस्ट को इस तरह से अलग कर लिया जाता है। तो यहाँ पे पीसेस जो होते हैं मेटल्स के वो अलग हो रहे होते हैं आयरन के। ठीक है, तो इस क्रेन में एक्चुअल में क्या लगा होता है जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो उसमें होता है मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट लगा होता है जिससे ये हम आयरन को उसमें से अलग कर लेते हैं। ठीक है, यही इसमें दिखाया जा रहा है। दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट्स एंड न्यू इमीजिएटली दैट देयर मस्ट बी मैग्नेट अटैच टू द एंड ऑफ द क्रेन। यहाँ पे क्या, कौन सा अटैच होता है, यहाँ पे मैग्नेट अटैच होता है क्रेन से, जो कि क्या कर लेता है, आयरन पीसेस को उसमें से अलग कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाता है, जो पिक कर लिया जाता है जो भी आयरन के सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही बात की जा रही है, आगे कहा जा रहा है जो मैग्नेट है उससे हम लोग ने बहुत ज़्यादा खेला है, जैसे कि मैग्नेट यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, अपने रेफ्रिजरेटर में कोई भी हमारे स्टिकर्स होते हैं, या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने अलमिराज में रेफ्रिजरेटर में लगाते हैं और इसको इंजॉय करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे कि आपकी कुछ पेन होल्डर्स होते हैं उनमें मैग्नेट लगा होता है, इसके साथ साथ बच्चों के जैसे बॉक्सेस होते हैं उनमें ही लगा होता है कि हमने ऐसे किया और वो मैग्नेट से बंद हो गया सीधा। ऐसे हमारा रेफ्रिजरेटर का जो लॉक होता है वो भी हमारा मैग्नेट के थ्रू होता है। और आपको ये भी एक चीज़ दिखाई गई है, इसमें जो है पिंस लगे हुए हैं और बीच में मैग्नेट लगा हुआ है, इसमें पिंस डाल देते हैं और यहाँ पर ये उससे चिपक जाता है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं लोकली। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो मैग्नेट है वो किस तरह से डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है, इसकी बात की जा रही है कि मैग्नेट किस तरह से डिस्कवर हुआ। तो यहाँ पे आप ये अच्छी तरह से ध्यान रखें कि जो नाम था शेफर्ड था वो, ठीक है, उनका नाम था मैग्नस। ठीक है, जो कि कहाँ थे, ग्रीस में रहते थे। ठीक है, ग्रीस में शेफर्ड थे जिनका नाम था मैग्नस, वो अपनी बहुत सारी शीप्स या गोट्स को ग्रेजिंग के लिए ले गए थे। ठीक है, तो वो जब ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं तो क्या करते हैं, हाथ में एक स्टिक होती है ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके, तो उसी तरह से वो एक स्टिक से उसको कंट्रोल कर रहे थे। अचानक से क्या होता है कि उनकी जो स्टिक होती है उसमें एक आयरन, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच टू द वन एंड। उनकी स्टिक में एक आयरन पीस होता है, ठीक है, जो कि एंड पे लगा होता है। एक दिन वो जब जा रहे होते हैं अपने शीप और गोट को लेके, तो अचानक से जो उनकी स्टिक होती है वो एक रॉक में एकदम से चिपक जाती है। ठीक है, बहुत अच्छे से स्ट्रांगली। तो यहाँ पे उनको पता चलता है कि यहाँ पे आपका मैग्नेट, पता चलता है कि ये एक नेचुरल मैग्नेट मिला उनको हिल साइड के ऊपर, क्योंकि उनका जो आयरन रॉड थी, उनकी आयरन लगा हुआ था नीचे की तरफ, तो वो उसमें बहुत बुरी तरह अट्रैक्ट हो जाता है, स्टिक कर जाता है रॉक के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आपकी अचानक से ये आपकी डिस्कवरी हो गई मैग्नेट की। ठीक है, द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट इज अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक। शेफर्ड की जो स्टिक थी उससे वो अट्रैक्ट कर जाता है, और इस तरह से यहाँ पे आपका नेचुरल मैग्नेट की डिस्कवरी हो जाती है। ठीक है, तो उनका क्योंकि नाम था मैग्नस शेफर्ड का नाम, इसीलिए इसको उसी के उसमें इसको मैग्नेट नाम दिया जाता है। ठीक है, सच रॉक्स वर गिवेन इन द नेम ऑफ मैग्नेटाइट। इन्हीं के हिसाब से उसको फिर आगे फर्दर रॉक्स को नाम दे दिया जाता है, मैग्नेटाइट है या जो भी है उसके अकॉर्डिंग उनको नाम दे दिया गया। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। मैग्नेटाइट में एक्चुअल में होता क्या है, आयरन होता है। तो आपको ये बात रखनी इंपॉर्टेंट है कि इसको एक और नाम क्या दिया गया, इस तरह की जो रॉक्स मिली उनको नाम दिया गया मैग्नेटाइट। ठीक है, और मैग्नेटाइट के अंदर क्या होता है, आयरन होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया।
ठीक है। और दूसरी बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैग्नेटाइट, क्योंकि पहली बार जहाँ पर डिस्कवर्ड हुआ था वो जगह थी मैग्नीशिया, सॉरी मैग्नीशिया, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम मैग्नेटाइट भी रखा गया। ये आपको याद रखना होगा, मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। सम पीपल बिलीव दैट, कुछ पीपल बिलीव करते हैं कि मैग्नेटाइट जो है वो पहली बार कहाँ डिस्कवर्ड किया था, मैग्नीशिया में डिस्कवर्ड किया था, जिसकी वजह से इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मैग्नेसियम का नाम था उस पर भी ये नाम दिया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं, द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट्स। ठीक है, अब जिसमें जिस सब्सटेंस में भी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि वो आयरन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको नाम दे दिया जाता है मैग्नेट्स। ठीक है, दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। यहाँ पे हमें अच्छी तरह समझ में आ गई किस तरह से ये क्या हुआ, डिस्कवरी हो गई, शेफर्ड गए और उनकी जो आयरन स्टिक थी वो अट्रैक्ट हो गई और वो आपको मिल गया मैग्नेट। ठीक है, वो किस तरह के मैग्नेट थे, नेचुरल मैग्नेट था। आगे बढ़ते, इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड द सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेज ऑफ आयरन। दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसेज ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज, दे नेम द नेचुरली अक्रिंग मटीरियल्स मैग्नेट्स। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई और वो आयरन को अट्रैक्ट करते गए तो उनको मैग्नेट नाम दे दिया गया, और ये कैसा था, नेचुरली मैग्नेट था, ये नेचुरल मैग्नेट था। लेटर ऑन प्रोसेस द मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम द पीस ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड, दीज आर नोन एज अ आर्टिफिशियल मैग्नेट। फिर क्या हुआ, धीमे धीमे आर्टिफिशियली भी मैग्नेट को प्रिपेयर कर किया जाने लगा और उनको नाम दिया गया आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये बार मैग्नेट हुआ, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट हुआ मैग्नेट है, और ये है आपका हॉर्सशू मैग्नेट, और ये आपका है बॉल एंडेड मैग्नेट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 4 टाइप्स देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट और आपका बॉल एंडेड, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट भी आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, ये एक्सरसाइज में फिलअप्स में भी पूछा गया है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्टिविटी वन बहुत सिंपल सी है, इसमें हम यहाँ पे एक क्लैंप लगा लेंगे। ठीक है, उससे यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी ये हम क्या ले सकते हैं, पेपर कप ले सकते हैं, या जिसमें हम चाय पीते हैं, है ना, प्लास्टिक वो आपके पेपर के होते कप, वो ले सकते हैं। उसको हमें अंदर से इसमें मैग्नेट डालना है और ऊपर से इसको ढक देना है। ठीक है, उसके बाद हमें नीचे एक थ्रेड लेना है, थ्रेड में यहाँ पे एक क्लिप लगा देनी है, आयरन क्लिप। ठीक है, यहाँ पे हमने आयरन की क्लिप लगा दी और इस थ्रेड को नीचे से अटैच कर दिया। अब यहाँ पे अंदर मैग्नेट है इसकी, लेकिन तब भी ये ऐसे हवा में खड़ी रहेगी, यहाँ पे ये जो क्लिप होती है वो खड़ी हो जाती है, रेज कर जाती है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है, द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट। ठीक है, तो क्यों खड़ी होती है, ऑब्वियसली यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि अंदर मैग्नेट और यहाँ पे क्लिप है, तो ये ऐसे खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे समझाया जा रहा है इस एक्टिविटी में किस तरह से मैग्नेट का इफेक्ट होता है, कि कोई चीज अंदर रख के, वो बाहर से नहीं है मैग्नेट, इसके अंदर है, लेकिन तब भी वो अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है इफेक्ट ऑफ मैग्नेट अ पेपर क्लिप हैंगिंग इन एयर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, कि मैग्नेट कैसा मटेरियल्स होते हैं। दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक होता है आपका मैग्नेटिक, एक होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अब हम लोग एक्टिविटी थ्रू के थ्रू इसको समझने वाले हैं, टू के थ्रू। यहाँ पे कह रहे हैं कि लेट अस वॉक, जैसे कि मैग्नस गए थे वहाँ पर अपने शीप और गोट्स को लेकर, और अचानक से उनको वहाँ पे ये चीज़ पता चल गई, तो हमें भी इस तरह से ही करना है ये इस एक्टिविटी को। ठीक है, हमें यहाँ पे ये कर लेना है, हमें किसी भी तरह की आयरन भी हो सकती है, हमें आयरन या तो हॉकी स्टिक ले लेना है या जिसमें मैग्नेट हो, है ना, हमें बस उल्टा जस्ट करना है। वो आयरन की स्टिक लेके गए थे, मतलब उनकी स्टिक के नीचे आयरन लगा था और उनको वहाँ पे मैग्नेट का एक वो मिल गया था, ठीक है, रॉक मिल गया था, लेकिन यहाँ पे हमें जस्ट उल्टा बस करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें किसी भी अपने पास स्टिक ले लेना है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, मैग्नेट होना चाहिए। वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक लो और उसमें मैग्नेट को अटैच कर लो, या वॉकिंग स्टिक भी ले सकते हैं, या क्रिकेट विकेट भी ले सकते हैं, किसी भी तरह की चीज़ ले सकते हैं, और ग्लू या टेप की हेल्प से उसको वहाँ पे अच्छे से वो कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, ताकि हम उसको आराम से मूव करवा सकें। ठीक है, उसके बाद हमें मैग्नेट्स, जैसे वॉक करने गया था अपने उनके शीप और गोट्स के साथ, वैसे हमें अपने प्ले ग्राउंड पर जाना है और वहाँ पे उस स्टिक को लेके चलना है। ठीक है, तो हम जब मेरे स्टिक में, हम लोगों के स्टिक में क्या है, यहाँ पे मैग्नेट है, हमें पता है,
तो वहाँ पे जो भी आपकी आयरन से रिलेटेड चीज़ें होंगी, कोबाल्ट होगा, वो सब आपके उससे क्या होगा, अट्रैक्ट होता जाएगा और आपको मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग, टेस्ट दीज विद द मैग्नेसिस्टिक। ठीक है, जो मैग्नेसिस्टिक है उससे आप इसको टेस्ट करिए कि कौन सी चीज़ उसमें अट्रैक्ट कर रही है, कौन सी चीज़ उसमें अट्रैक्ट नहीं कर रही है, और उसके बेसिस पे आप उसको रिकॉर्ड बनाइए, रिकॉर्ड बना के टेबल में उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है आयरन बॉल, आयरन मटेरियल मिला तो अट्रैक्ट इसने किया, यस लिखा हुआ है। फिर है स्केल, प्लास्टिक का था, इसने अट्रैक्ट नहीं किया, नो। ऐसे शून को मिला, ठीक है, वो लेदर का बना था तो उसने भी अट्रैक्ट नहीं किया। तो इस तरह की आप लोग टेबल बना लीजिए। ठीक है, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ इसमें अट्रैक्ट कर रही है और कौन सी चीज़ इसमें अट्रैक्ट नहीं कर रही है। तो उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ मैग्नेटिक है और क्या चीज़ मैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, यही हमारी हेडिंग थी, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो अब आगे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट्स सर्टेन मटेरियल्स, वेयर एज सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसे क्या हम कह देते हैं, जो मैग्नेट में अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट से, वो हो जाता है मैग्नेटिक। एग्जाम्पल आपका दिया गया है आयरन, निकल और कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट का एग्जाम्पल दिया गया, ध्यान रखिएगा। द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक। एग्जाम्पल क्या है, आयरन, निकल एंड और कोबाल्ट। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, यहाँ पे आपके बहुत से आ जाएंगे, थ्रेड ले लीजिए, कॉटन क्लोथ्स ले लीजिए, या जो भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है वो सब उसमें आ जाएगा। अच्छा बुजुर्ग को, यहाँ एक क्वेश्चन आया है कि अगर कोई टेलर है और उसके बहुत सारे वो कपड़े वहाँ पे सिल रहा होगा ऑब्वियसली, और उसकी निडिल जो होती है सुई, वो अगर फ्लोर पे चली जाती है तो उसकी हम लोग किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम क्या करें, एक मैग्नेट ले लें और उसके थ्रू वो हम सुई को आराम से ढूंढ सकते हैं, वो उसमें जल्दी से अट्रैक्ट कर जाएगी और हमें आसानी से कपड़ों के बीच में वो मिल जाएगी। अब हम करने जा रहे हैं अपनी एक्टिविटी थर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैग्नेट को ले लेना है, बार मैग्नेट का यूज़ यहाँ पे किया गया है, पढ़ लेते हैं एक बार इसको। रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉयल। ठीक है, मैग्नेट को क्या करना है, रब करना है। पुल आउट द मैग्नेट, आर दीज सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉयल स्टिकिंग टू द मैग्नेट, ताकि कोई भी उसमें अगर कोई चीज़ चिपकी हो तो वो वहाँ से हट जाए। उसके बाद में क्या करना है, नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉयल, आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिक टू इट, दिस माइट बी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, आयरन फिलिंग्स पिक्ड अप फ्रॉम द सॉयल। फिर हमें यहाँ पे एक्टिविटी करना है कि हमें यहाँ पे थ्रू सच एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉयल और सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन्स पार्टिकल दैट हैव आयरन। ठीक है, फिर हमें वहाँ पे चेक करना है कि इसमें यहाँ पे जो भी सॉयल है या सैंड है वहाँ पर आयरन के कुछ भी हमें देखने को मिल रहे हैं पार्टिकल्स, क्योंकि अगर हम मैग्नेट डालेंगे तो वो उसमें अट्रैक्ट हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर आयरन है या नहीं है। तो हमें ये एक्टिविटी करके देखना है। ठीक है, मेक अ टेबल ऑफ वॉट यू फाइंड। ठीक है, आप अपनी अपनी टेबल बनाइए और बताइए कि आपने क्या देखा, क्या आपके सॉयल में या उसमें ये चीज़ मिली। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ये दे रहे हैं, अ मैनी आयरन फिलिंग्स एंड फ्यू आयरन फिटिंग्स एंड नो आयरन फिटिंग्स, ये तीन कंडीशन यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिली, ठीक है, यहाँ पे कम और यहाँ पे बिल्कुल नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल नहीं मिले, क्योंकि सैंड और सॉयल में ज़रूरी नहीं है कि आयरन वहाँ पर हो। तो यहाँ पे आपको लोकेशन डालनी है, अपनी कॉलोनी, टाउन या सिटी या विलेज जो भी है, और उसके बाद यहाँ पे किस कंडीशन में आया, मैनी, वेरी फ्यू या नन, ये तीन कंडीशन यहाँ पे टेबल में दी गई हैं। आपको इस एक्टिविटी के थ्रू ये करना है और समझना है कि यहाँ के आसपास की जो भी सॉयल या सैंड है वहाँ पर आयरन फिलिंग्स हैं या नहीं है। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं पोल ऑफ मैग्नेट की। मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, जैसे कि आपको ये बार मैग्नेट देखने को मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे एक मिलेगा नॉर्थ पोल और दूसरा मिलेगा साउथ पोल। आपको याद रखना है नॉर्थ एंड साउथ पोल दो देखने को मिलेंगे। अब एक्टिविटी फोर में क्या किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आयरन फिलिंग्स जो होती है उनको शीट पे रखना है पेपर की, और वहाँ पे मैग्नेट को रखना है। फिर हम क्या देखेंगे, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि आयरन में जो आयरन फिलिंग्स होंगे वो पूरी तरह से चिपक जाते हैं दोनों पोल्स के ऊपर, बीच में नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ पे और साउथ पे दोनों में अट्रैक्ट फिलिंग्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें यही चीज़ समझ में आ रही है कि ये दो क्या होते हैं, ये पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ होता है दूसरा साउथ होता है। यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। उसके बाद हमें फिर रिपीट देखना है, रिपीट करना है एक्टिविटी को। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न्स विद विच द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट। तो ऑब्वियसली बीच में अट्रैक्ट नहीं करता, पोल्स पे ज़्यादा करता है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना, और इस एक्टिविटी को आप आयरन फिलिंग्स के बजाय
पेंस और आयरन नेल्स के थ्रू भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे ऑफ आयरन फिलिंग स्टिक द मैग्नेट इज योर ड्रॉइंग सिमिलर टू दैट शोन इन द फिगर 13.6। अगर आप यहाँ पे इसकी ये पिक्चर बनाए ड्रॉ करें तो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। तो हमें इससे ये पता चल गया कि जो आयरन के पोल्स होते हैं किनारे के रीजन है, यानी कि एक बार पढ़ लेते हैं, वी फाइंड दैट द आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स द रीजन क्लोज टू द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, है ना, किनारों पे हमें देखने को मिला। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी द नियर दीज एंड्स, इन्हीं दोनों जो पोर्शन में ज़्यादा से अट्रैक्ट हो गया है आयरन फिलिंग्स, वही आपके पोर्शन जो होते हैं पोल्स कहलाते हैं। एक नॉर्थ होता है, दूसरा क्या होता है आपका साउथ पोल होता है। पहली क्या कह रही है, पहली हैज अ पजल फॉर यू, यू आर गिवन टू आइडेंटिकल बार्स विच लुक एज इफ दे माइट बी मेड ऑफ आयरन, वन ऑफ देम इज मैग्नेट वाइल द अदर इज अ सिंपल आयरन बार, हाउ विल यू फाइंड आउट विच वन इज मैग्नेट। आप कैसे पता करेंगे कि इनमें से कौन सा आपका आयरन है और कौन सा आपका मैग्नेट है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, आप इसको खुद करिए एक्टिविटी को, और नहीं समझ में आए तो पूछिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। फिर बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन कैसे देखते हैं, फाइंडिंग डायरेक्शन। हमने पढ़ लिया कि नॉर्थ साउथ हमें देखने को मिल रहे हैं, दो पोल्स, पोल्स किनारे पर होते हैं, हमने इसको भी समझ लिया। अब ये कह रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसे पता की जाती होगी, तो इसके लिए अच्छी सी आपकी एक पुरानी बात है यहाँ पे बताई जा रही है। मैग्नेट्स वर नोन टू द पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, ठीक है, बहुत ही एंशियंट टाइम्स से मैग्नेट्स के बारे में जाना जा चुका था, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी के बारे में भी पता थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसके लिए एक स्टोरी है, ये एक एम्परर था चाइना का, ठीक है, और एम्परर चाइना का है, इसका नाम है होंग टी, ठीक है। इट इज सेड दैट ही हैड अ चैरियट, ठीक है, इसके पास एक चैरियट था, ठीक है, उसमें एक स्टैचू थी लेडी, आपको पिक्चर में दिखाया जाएगा। तो वो जब भी जिस भी डायरेक्शन में रोटेट करती थी तो उसकी जो एक आर्म थी वो एक ही डायरेक्शन में हमेशा जाती थी। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन, किसी भी पोजिशन में वो रेस्ट करती थी लेकिन उसकी आर्म एक्सटेंड करती थी साउथ की तरफ, है ना, हमेशा। तो उसके लिए उसको लेके जाया जाता था कि उससे डायरेक्शंस का पता लगाया जाता था कि किस कहाँ पे नई जगह पे कौन सी साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये आपको पिक्चर यहाँ पे देखने को मिल रही है, चैरियट है और इस तरह से इसकी आर्म शो करती थी कि ये साउथ है, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली ये मैग्नेट था और उसका नॉर्थ साउथ पोल होते हैं तो उसमें अंदर मैग्नेट लगा होगा, इधर आपका साउथ पोल होगा जिसकी वजह से ये शो कर रही है। तो ये यहाँ पे फाइंडिंग डायरेक्शन से पहले आपको स्टोरी सुनाई जाती है। अब एक्टिविटी 5 को करते हैं। यहाँ पे हमें एक बार मैग्नेट को ले लेना है। पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन, एक हमें यहाँ पे मार्क लगा देना है एक तरफ उसके। नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडिल ऑफ द मैग्नेट सो दैट यू मे सस्पेंडेड इट फ्रॉम द वुडन स्टैंड, ठीक है, उसमें एक थ्रेड बांधना है बीचों बीच से और उसको वुडन स्टैंड में यहाँ पे लटका देना है। फिर हम क्या देखते हैं, मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, फिर उसको हमें क्या कर देना है, एकदम फ्रीली रोटेट कर देना है। लेट इट कम टू रेस्ट, उसके बाद वो रेस्ट पोजिशन में आएगा। मार्क टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू द शो द पोजिशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है, फिर जो भी रेस्ट कंडीशन में आता है तो उसकी जो भी पोजिशन होती है उसको हमें मार्क करना है, ठीक है। ड्रॉ लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, द लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। नाउ रोटेट द मैग्नेट ऑफ द जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट, ठीक है। ऐसे में कई बार इसको करके देखना है और बार बार उसको पोजिशन को मार्क करना है। अगेन मार्क द पोजिशन ऑफ द टू एंड्स ऑफ द, ठीक है, तो मतलब जितनी, कहने का मतलब ये कि जितनी बार भी हम उसको रोटेट करेंगे नॉर्थ साउथ उसका आएगा ही आएगा, जितनी बार भी रोटेट कर दे वो एक जगह पे आके रुकेगा ही रुकेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है। डू यू फाइंड दैट मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ पे यही बताया जा रहा है, क्योंकि उसका तो अपना एक फिक्स है ना, उसका एक अपना नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन फिक्स है पोल्स का, तो वो हम जितना भी उसको बार बार रोटेट कर लें, चाहे 15 बार कर लें, जितनी बार भी कर लें, वो आएगा उसी कंडीशन में जहाँ पे उसको नॉर्थ और साउथ उसका एडजस्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि अब आप समझे कि किस तरह से जो एम्परर का चैरियट था तो वो किस तरह से उसमें जो आर्म दिख रही थी वो किस क्यों एक्सटेंड कर रही थी कि हम जिस भी कंडीशन में जाएं वो साउथ ही की तरफ उसका हाथ हो रहा था जो भी उसमें स्टैचू था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें इस एक्टिविटी को और अदर चीज़ों के साथ करना है, जैसे प्लास्टिक वुडन स्केल्स के साथ करके हमें देखना है कि क्या हमेशा जैसे कि मैग्नेट शो कर रहा है कि एक ही डायरेक्शन नॉर्थ साउथ शो कर रहा है, क्या वो भी ऐसा करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो तो अलग अलग शो करेंगे हर बार क्योंकि उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है।
यहाँ पे ये बात करें, वी फाइंड दैट फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट्स ऑलवेज कम टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विच इज द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइसिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट. भाई जब सन निकलता है तो हमें उसे रफली समझ में आ जाता है कि ईस्ट है, ठीक है, तो उसके थ्रू हम अपने चीज़ों को समझ सकते हैं कि किधर साउथ है और किधर आपका नॉर्थ पोर्शन दिखाया जा रहा है, ठीक है. अब बात आ रही है द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग एंड एंड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, नॉर्थ पोल पता चला. द अदर एंड दैट पॉइंट टूवर्ड द साउथ इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग एंड और द साउथ पोल, ठीक है. तो यहाँ पे हमें दो पोल्स पता चल गए कि नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल्स होते हैं, ठीक है, जो कि किसके थ्रू मार्क्ड हुए, आपके मैग्नेट्स के थ्रू मार्क हुए. द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज वेरी यूजफुल फॉर अस. फॉर सेंचुरीज ट्रैवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स एंड टू फाइंड डायरेक्शन. ऑब्वियसली हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते चले आ रहे हैं और बहुत ट्रैवलर्स के लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल होती है कि किस तरह से हमें, हम किस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है. अब इसके लिए डिवाइस दिखाई जा रही है जो कि यूज़ की जाती है, जिसको हम कहते हैं कंपस. अ कंपस यूजली अ बॉक्स होता है उसमें, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं. अ कंपस इज यूजली स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट. ग्लास होता है क्योंकि एयर आपके अंदर ना जाए, जिसके वजह से नीडल पे इफेक्ट ना आए. अ मैग्नेटाइज नीडल इज पिवोटेड, पिवोट फ्री कर दी जाती है इनसाइड द बॉक्स और फिर वो रोटेट करती है फ्रीली. द कंपस ऑल्सो हैज़ अ डायल, उसमें डायल होता है, डायरेक्शंस होती हैं अपनी इसमें. विद द डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट द कंपस इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन. इट्स नीडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इसकी नीडल बता देती है कि कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन है और कौन सा साउथ डायरेक्शन है. द कंपस इज देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर टू एंड्स ऑफ द नीडल टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल. इट इज़ यूजली पेंटेड टू द डिफरेंट कलर, ठीक है, पता करने के लिए कि इसको अलग कलर से कर दिया जाता है, इसको अलग कलर से कर दिया जाता है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल किधर है. क्योंकि ये शो क्या करेगी, जिस भी जहाँ पर भी हम रखें इसको, जितना भी घुमा दें, जितना भी रोटेट कर दें, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्शन किस डायरेक्शन में नीडल जा रही है, वो नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, ठीक है. अब हमें अगर मैग्नेट बनाना है तो हम किस तरह मैग्नेट बनाएंगे, ये बहुत सिंपल है. जैसे कि इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं, हमें कोई भी आयरन, यहाँ पे इन्होंने जैसे आयरन की बार ले ली है पतली सी, वो ले लेना है और उसमें जो मैग्नेट है उसको कई 30 से 40 टाइम्स उसको बार बार क्या करना है, रब करना है, एक तरफ से दूसरी तरफ उसको ले जाना है. तो क्या होगा कि जो आयरन होगा यहाँ पे, जो आयरन की ये दिखा रहे हैं, ये भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए शो करेगा, ज़्यादा देर के लिए नहीं. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं. इसके अलावा हम आयरन नेल्स को भी या नेडल को भी बार बार उसमें मैग्नेटिक मैग्नेट को रगड़ रगड़ के उससे उसको मैग्नेटिक बना सकते हैं, ठीक है. तो उसके साथ बनाने के साथ ही यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया, ये आपको एक मग ले लिया गया है, ठीक है, एक्टिविटी 6 में, और इसमें एक कॉर्क डाल दी गई है. कॉर्क में वो जो नेडल जिसको हमने मैग्नेट बनाया था उसको रख देना है, ठीक है. अब ये कंपस की तरह काम करेगा और ये आपका डायरेक्शन शो करेगी नॉर्थ और साउथ, जिसकी वजह से हमें इसमें डायरेक्शन पता चल जाएगी. तो ये आपके पूरे में बताया गया है, ठीक है. जितनी भी हम कॉर को रोटेट कर दें वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करेगी. यहाँ पे ये बता रहे हैं, रोटेट द कॉर विद द नीडल फिक्स्ड इन इट डिफरेंट डायरेक्शन. नोट द डायरेक्शन इन विद द नीडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर बिगिंस टू फ्लॉट अगेन विदाउट रोटेटिंग. डज द नीडल ऑलवेज पॉइंट द सेम डायरेक्शन व्हेन द कॉर स्टॉप रोटेटिंग, ठीक है. तो ये एक आपका कंपस आपका बना हुआ, हम लोग ने बनाया हुआ एक्टिविटी 6 के थ्रू, तो ये आपका कंपस बन जाएगा कप के अंदर, ठीक है. अब बात करते हैं अट्रैक्शन, ये प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट है, ठीक है. हमने पढ़ लिया साउथ पोल नॉर्थ पोल होते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट्स के बीच में. उनके जो दो पोर्शन है, जैसे कि एक नॉर्थ है और एक साउथ है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि एक जैसे ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, ठीक है. तो आपका और यहाँ पे भी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए उल्टा, सपोज यहाँ पे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यहाँ पे रेड रेड रख दिए गए. आप रेड से समझ सकते हैं कि रेड रेड यानी कि सेम पोल्स होने की वजह से ये रिपल करेंगे और यहाँ पे डिफरेंट पोल्स होने की वजह से ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे पता चल जाता है कि सेम पोल रिपल करता है और जो डिफरेंट पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. ये बहुत ही सिंपल और आप इसको यहाँ पे इस टेबल में लिख सकते हैं, ठीक है, यही बताया गया है. अब यहाँ पे कुछ हमें कॉशंस ले लेना है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो चली जाती है, ठीक है. तो वो आपका है जैसे कि मैग्नेट लूज किस किस कंडीशन में करेगा अपनी प्रॉपर्टी, जब उसको गर्म कर दिया जाए, ठीक है, या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको पीटा जाए, हैमर्ड, या गिरा दिया जाए बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट से,
ठीक है, तो वो भी उससे क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर वो प्रॉपरली स्टोर नहीं किए जाते हैं तो भी उनकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो उनको सेव करने के लिए मैग्नेट्स को क्या करना चाहिए, पेयर में रखना चाहिए। मैग्नेट शुड बी कैप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, जिससे वो आपस में अट्रैक्ट करते रहेंगे और वहीं एक पोजिशन पर रहेंगे। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाई अ पीस ऑफ वुड, और उनको सेपरेट कैसे करना है, बीच में वुड लगा देना है। वाइल टू पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स, और वहाँ पर हमें सॉफ्ट आयरन का यूज़ कर लेना है, जिससे उनकी क्या रहे, प्रॉपर्टी बनी रहे, वो उसकी हेल्प करेगा उसमें। फॉर हॉर्स शू मैगनेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सेव करने के लिए यहाँ पर एक आयरन पीस लगा देना है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें मैगनेट्स को कैसेट्स, मोबाइल, टेलीविजन और CDs जो होती हैं कंप्यूटर की, उनसे क्या करना है, दूर रखना है, वरना हमारे मैग्नेट वहाँ पे ख़राब हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं। कंपास नीडल को हमने अच्छी तरह पढ़ लिया, मैग्नेट भी हम जान गए, मैग्नेटाइट क्या होता है, नेचुरल होता है मैग्नेट, और नॉर्थ पोल उनके दो पोल्स होते हैं, जो पोल्स सेम पोल्स रिपल करते हैं और जो डिफरेंट पोल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अब समरी कर लेते हैं, मैग्नेटाइट क्या है, नेचुरल मैग्नेट है। मैग्नेट अट्रैक्ट्स मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट को वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इन्हें मैग्नेटिक मटेरियल्स कहेंगे। जिसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा। ईच मैग्नेट हैज़ टू मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कोई भी मैग्नेट हम ले लें और उसको हम फ्रीली थ्रेड से ऐसे पकड़ लें, ठीक है, तो वो हमेशा क्या करेगा, आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ही जाके रुक जाएगा, हमेशा नॉर्थ साउथ वो शो करेगा। Opposite poles of two magnet attract each other, whereas similar poles ripple one another. ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह से एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे आपकी अर्थ होती है, ठीक है, तो अर्थ में आपका क्या होता है, नॉर्थ पोल है ऊपर की तरफ और नीचे साउथ पोल होता है, लेकिन जो अंदर मैग्नेट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ना आपके अर्थ के अंदर, यहाँ पे तो हमें पता है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर होते हैं, लेकिन अंदर हमें पता है कि जो अर्थ है उसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, आपके आयरन है, निकेल है, ये सारी चीज़ें, तो इसके अंदर का जो खुद मैग्नेट होता है अर्थ के अंदर, ठीक है, उसमें क्या होता है, देखिए ये नॉर्थ है तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे इसका साउथ पोल होता है और नीचे की तरफ इसका नॉर्थ पोल होता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें सब इसमें अट्रैक्ट रहती हैं, यही आपकी यहाँ पे अट्रैक्ट करता है आपकी, ठीक है, और ये आपके क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक पोल्स कहलाते हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा। एक्सरसाइज कर लेते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज, हमने पढ़ा था बार मैग्नेट, ठीक है, आपका बार मैग्नेट हो गया, हॉर्स शू शेप आपका हो गया, और एक आपका सिलेंड्रिकल हो गया, बहुत सिंपल है ये, यहाँ पे आ जाएगा हॉर्स शू शेप। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, हाँ सही है। इन ओल्डन डेज सेलर्स यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ कंपास, अब मैग्नेट ऑलवेज हैज़ टू पोल्स, ठीक है, यहाँ पे टू आ जाएगा। अब चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली वन पोल, ऐसा नहीं होगा, कभी भी कोई भी एक पोल नहीं रखता, मैग्नेट हमेशा टू पोल्स रखेगा। आर्टिफिशियल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस, नो, नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर्ड हुआ था ग्रीस में। सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपल ईच अदर, बिल्कुल सही है, सिमिलर क्या करेंगे, रिपल करेंगे। मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक इन द मिडिल ऑफ द बार, बिल्कुल भी मिडिल में नहीं किया था, पोल्स की तरफ किया था। बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बिल्कुल शो करते हैं ये हमेशा। अ कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, नहीं, बिल्कुल कंपास को हम जो यूज़ करते हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए करते हैं। रबर इज़ अ मैग्नेटिक मटीरियल, बिल्कुल भी नहीं है, रबर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। ये बहुत सिंपल आपकी एक्सरसाइज थी, इसको फिल करिए, और अगर कुछ और नहीं समझ में आता है नीचे के क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।